हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है इको फ्रेंडली मटेरियल। इको फ्रेंडली मटेरियल मतलब पर्यावरण के अनुकूल सामग्री। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना डालते हो, उन मटेरियल्स को ही बोला जाता है इको फ्रेंडली मटेरियल्स, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद होते हैं, और उनके प्रोडक्शन में, उनके यूज़ में, उनके डिस्पोजल में किसी भी तरीके का जो है हार्म इन्वायरमेंट को नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं इको फ्रेंडली मटेरियल, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल सामग्री, क्योंकि वो पर्यावरण के फेवर में ही होते हैं मटेरियल, तो इसलिए इनको हम इको फ्रेंडली मटेरियल कहते हैं। तो इको फ्रेंडली मटेरियल्स आर दैट डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट वेदर इन देयर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब जिस टाइम पे वो बनाए जा रहे हैं उनके प्रोडक्शन में भी कोई हार्मफुल, कोई भी पॉल्यूटेंट्स नहीं निकलते हैं, और उनके यूज़ के टाइम में कोई भी पॉल्यूटेंट्स नहीं और टॉक्सिन्स नहीं रिलीज़ होते हैं, और उनके डिस्पोजल में भी कोई नुकसान इन्वायरमेंट को नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं इको फ्रेंडली मटेरियल। इनके टाइप्स दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल कुछ टाइप्स हैं तो बता देती हूँ। नंबर वन दिया हुआ है बैम्बू, बैम्बू बेस्ड पार्टिकल बोर्ड एंड प्लाई बोर्ड बम्बू मैटिंग, मतलब जो बांस से बने हुए, बांस हो गए, बांस से बने हुए जो बोर्ड होते हैं, प्लाई बोर्ड होते हैं, और बांस की बनी हुई जो चटाइयाँ होती हैं, तो वो सब इको फ्रेंडली मटेरियल में आते हैं। सेकेंड दिया हुआ है ब्रिक्स सन ड्राइड, मतलब जो धूप में रख के सूखने वाली जो ईंटें होती हैं वो भी इको फ्रेंडली मटेरियल होती हैं। नंबर थ्री है प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स और स्लैब। आजकल जो स्लैब बनाई जाती है, मतलब कहीं पे भी बिल्डिंग मटेरियल में जो यूज़ होती हैं स्लैब और जो कंक्रीट के जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, तो वो पहले से ही सीमेंट को जो है प्रीकास्ट कर लिया जाता है और उनसे स्लैब और कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, वो भी आपके इको फ्रेंडली मटेरियल में आते हैं। कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स एंड टाइल्स, तो कैल्शियम सिलिकेट के बोर्ड्स हो गए और टाइल्स हो गए, ये भी इको फ्रेंडली मटेरियल है। सीमेंट, क्ले रूफिंग टाइल्स, मतलब जो मिट्टी से बने हुए जो टाइल्स होते हैं, वो भी जो छतों के टाइल्स बनाए जाते हैं, तो वो भी इको फ्रेंडली मटेरियल में आते हैं। मार्बल के टाइल्स हो गए, आरसीसी डोर फ्रेम हो गए, आरसीसी के जो डोर फ्रेम पहले से ही बना दिए जाते हैं। वाटर पॉलीयूरेथेंस फॉर कोरोजन रिमूवल, मतलब जहाँ पे कोरोजन लग जाता है तो वहाँ पे वाटर का और पॉलीयूरेथेन का यूज़ किया जाता है। तो ये तो थे कुछ इको फ्रेंडली मटेरियल जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और उनके लिए यूज़फुल होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पर्यावरण के अनुकूल सामग्री। इस पे जो है शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कभी कभी बड़े क्वेश्चन के साथ में भी इसको पूछ लिया जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सामग्री का पुनर्चक्रण। तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मटेरियल है, मटेरियल जो भी मतलब वेस्ट जो निकलते हैं, चाहे फिर वो डोमेस्टिक वेस्ट हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, तो उनमें जो भी कचरा जो निकलता है उस कचरे की रिसाइकलिंग कर लेना, मतलब उसमें जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं, या जैसे ई वेस्ट है, ई वेस्ट में क्या है कि जो घरों के जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं, तो इनका सबकी जो है अगर रिसाइकलिंग कर ली जाए, मतलब ई वेस्ट हो गए तो उनमें से प्लास्टिक अलग करके, वायर अलग करके, उसमें जो मेटल वगैरह लगी रहती है उसको अलग गला के, अगर इन सब का रिसाइकलिंग करके यूज़फुल प्रोडक्ट बना लिए जाएँ, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल, यानी कि लाभदायक होती है। तो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल का मतलब यही होता है कि मटेरियल को कलेक्ट करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, और उसके बाद उनको कन्वर्ट कर देना न्यू प्रोडक्ट में, उनको जो है दोबारा से कुछ न्यू प्रोडक्ट में बना देना ही न्यू रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल कहलाता है, जो कि हमारी कम्युनिटी यानी हमारे समुदाय और हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो उसी को बोलते हैं सामग्री का पुनर्चक्रण या फिर रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह कचरे में जो है कई लोग जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं, मैग्नेट से जो लोहा होता है लोहे को कलेक्ट कर लेते हैं, प्लास्टिक को कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको बाद में गला के जो है यूज़फुल चीज़ें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, तो उसी को रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल जो है इसके फ़ायदे क्या हैं? नंबर वन, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑन अर्थ, यानी कि जो वेस्ट है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, कचरा है, कचरा जो है वो पृथ्वी पे कम हो जाएगा। अगर हम रिसाइकलिंग कर लेंगे तो कचरा जो है वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी।
सेकेंड दिया हुआ है प्रिवेंट्स सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, यानी कि रिसाइकलिंग करने से क्या है कि सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन इन दोनों में भी कमी आएगी, क्योंकि जब कचरा ज़्यादा नहीं होगा तो फिर सॉइल पॉल्यूशन नहीं होगा, और सॉइल पॉल्यूशन नहीं होगा तो सॉइल से जो गंदगी वाटर में पहुँचती है तो उससे वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। सेव एनर्जी, एनर्जी की सेविंग होगी, मतलब जो ऊर्जा है वो भी उसमें भी जो है उसका भी संरक्षण होगा रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल से। उसके बाद फोर्थ है कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन है, उनको भी संरक्षित किया जा सकता है, तो वो भी संरक्षित रहते हैं। एंड क्लीन इन्वायरमेंट, यानी कि जब कचरा कम होगा तो फिर हमारा इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो है वो भी क्लीन और साफ रहेगा। तो ये तो था रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल का मतलब बता ही दिया है कि जो फेंक दिया जाता है कचरा, मतलब एक बार डेफिनेशन और क्लियर कर देती हूँ कि रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग मटेरियल्स दैट वुड अदरवाइज बी थ्रोन अवे एज वेस्ट, मतलब जो वेस्ट की तरह फेंक दिया जाता है और फेंकने के बाद उसको कलेक्ट करके टर्निंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट, मतलब उनको जो है नए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। इसके बाद जो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है EVS सब्जेक्ट का, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, मतलब हरित इमारत अवधारणा। तो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट जो है ये EVS सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है, और ये भी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। तो नाम से समझ में आ रहा होगा ग्रीन बिल्डिंग, यानी कि ग्रीन बिल्डिंग वो बिल्डिंग्स होती हैं जिनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, मतलब उनका जो है कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो ग्रीन बिल्डिंग बनती हैं उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ग्रीनरी रहती है काफ़ी ज़्यादा, और उसमें जो लाइट वगैरह जो है उनके लिए सोलर पैनल, मतलब जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो और जो हमारी लाइफ है उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो उसी को हम बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी पहले से विदेशों में तो काफ़ी पहले से अपनाया जा रहा है, अब हमारे इंडिया में भी कई साल से कई सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, कई सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, जैसे कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया हैदराबाद का, जो इंफोसिस कंपनी है मैसूर में वो भी ग्रीन बिल्डिंग पे बेस्ड बनी हुई है, इन्फिनिटी बेंचमार्क कोलकाता में वो भी जो है ग्रीन बिल्डिंग बनी हुई है। तो इस तरीके से कई सारी ग्रीन बिल्डिंग्स जो हैं वो हमारे अब इंडिया में भी बनी हुई हैं, तो जिससे क्या है कि वो एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ग्रीन बिल्डिंग, ए ग्रीन बिल्डिंग इज़ अ बिल्डिंग दैट इन इट्स डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट और ऑपरेशन रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स निगेटिव इम्पैक्ट एंड कैन क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर क्लाइमेट एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट है, हमारी जलवायु, हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस पे जो है ग्रीन बिल्डिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ये निगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो ये काम होता है ग्रीन बिल्डिंग का। ग्रीन बिल्डिंग्स प्रिजर्व्स प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ग्रीन बिल्डिंग्स जो हैं वो प्रिजर्व, मतलब हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनको प्रिजर्व करती हैं, उनको संरक्षित उनका संरक्षण करती हैं, एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ है उसकी भी क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। तो ये तो है ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बता ही दिए कि किस तरीके से जो है ग्रीन बिल्डिंग, यहाँ पे इंडिया में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने जो कि ग्रीन बिल्डिंग पे बेस्ड बिल्डिंग्स तैयार की गई हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग होने से जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है, और इसमें जो है मतलब जितनी भी चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं वो मोस्टली यूज़ की जाती हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किया जाता है, कि लाइट के लिए सोलर पैनल यूज़ किए जाते हैं जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट ना हो, और वाटर ग्रीनरी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी जो उनकी बालकनीज होती हैं उनमें भी पेड़ लगा दिए जाते हैं, चारों तरफ ग्रीनरी ही रहती है, तो वो एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। तो ये तो था ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट।
तो ये हमारा जो EVS सब्जेक्ट चल रहा था उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।